हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे लगभग इतना तो आप लोग पता होगा ना कि हम कोई भी काम करते हैं कहीं भी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कोई भी काम करते हैं। और अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम काम करेंगे तो प्रॉपर अच्छे से हम काम कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट दे रहा है क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको जाना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या हो, जो सबसे पहले कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है, जिसे मनी कहा जाता है। अगर जो देखा जाए तो कोई भी बिजनेस हो, उस सभी बिजनेस का एक कॉमन यूनिट क्या होता है, मनी हो। चाहे किसी प्रकार का हो, कोई बिजनेस चलाना, सबसे पहले क्या चाहिए, मनी। चाहे आप जाकर किसी कपड़े की दुकान खोलिए, पैसा चाहिए। अरे समझे ना, कोई स्टेशनरी का बिजनेस ओपन करिए, पैसा चाहिए। कोई भी अगर आप शॉप ओपन करें, सबसे पहले क्या चाहिए, तो वही कह रहा है कि अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए तो सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक कॉमन यूनिट क्या होता है, मनी होता है। जो कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस या एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाए। कि जो भी हम ट्रांजेक्शन लेन देन कर रहे हैं, अगर उसको मनी के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन माना जाएगा। खड़े जाओ, तो खड़े जाओ, बताओ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अभी तक क्या क्या होता है। बस यही बताए, इधर पढ़ा रहे, उधर तुम पीछे बात कर रहे हो, साइड कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा। तो तुम्हारा बुक्स कहाँ है, बुक्स में नहीं है ये चीजें। फिर खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हो, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, साथ साथ में पूरे क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो। कहते हैं सुधर जाओ, टाइम में सुधर जाओ, पढ़ लो। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे इसमें, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या, ये कोई भी बिजनेस है उसका एक कॉमन यूनिट क्या होगा, मनी होगा। यानी कि जब तक मनी नहीं है तो कोई बिजनेस चलने वाला नहीं। और याद रखिए, इसमें कह रहा है क्या कि जब भी हम बिजनेस में जाएंगे तो क्या ऐसे ट्रांजेक्शन जिन्हें मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें, परचेस करें, सेल कर रहे हैं, और उसके बीच यदि मनी आ रहा है, सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। आज समझे ना, जैसे आगे दे रहा है यहाँ पे, और बुक्स आपके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का बुक सेल करता है, केवल इस अमाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि इम्प्लाई सेटिस्फेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। पहले इतना समझ, हमने ये बताया कि जब भी हमारे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम वही ट्रांजेक्शन मानेंगे जिसके बीच कोई मनी होगा, मनी एक्सप्रेस किया जाए, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन, अगर दूसरा कोई मनी ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल दिया, अगर जो हम किसी एम्प्लॉई को रखे हैं कोई गुड्स सेल करने, तो वह हमारे लिए सेल्समैन माना जाए, क्या माना जाएगा, सेल्समैन माना जाएगा। अब यह सेल्समैन एक दिन में जितने अमाउंट का सेल करेगा, अगर जो 10,000 का सेल किया, तो यही 10,000 अमाउंट हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। अब किस कस्टमर से कैसे बात किया, किस प्रकार से कन्विंस करके उसको सेल किया, ये हमको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बीच कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। सपोज करिए कि अगर आप भी जाते हैं किसी बिजनेस में कोई सामान खरीदने के लिए, तो जो सेल्समैन होता है आपको उस गुड्स के बारे में हर चीज बता, ये ले लीजिए बढ़िया रहेगा, इसमें ये चीज ऐसे है, ये ले लीजिए इसमें ये चीज, इसमें ये चीज बढ़िया है, ऐसे बताता नहीं बता, लेकिन आपको जो जरूरत है तो आप वही लेते हैं। तो आपको सेटिस्फेक्शन करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए उसने क्या क्या कहा, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाए, क्योंकि क्या जो भी बातचीत है उसके बीच कोई मनी इन्वॉल्व हो रहा है, तो मनी एक्सेस कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जब भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जिसके बीच कोई मनी होगा, जिसके बीच कोई मनी नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं। या एक और उदाहरण ले सकते हैं, हम बैंक में चले गए, हम ये बता दिए कि हम चले गए कहाँ पे, पडरौना में किसी बैंक में चले गए, और वहां बैंक में जाने के बाद हमें खाता ओपन करना,
क्या ये कोई प्लानिंग से बन रहा है अभी? तो किसी कोई मनी आया है? हाँ, बस ये हम कह दिए कि जब हम पढ़ रहा हूँ ना कि SBI बैंक में जब गए थे तो वहां पे हम अपना खाता खोले, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन खाता खोलने के बाद से हम डिपॉजिट कर दे कितना 10,000 रुपए, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जा रहा है 10,000। अब इसके बीच मनी इन्वॉल्व हो रहा है तब जाके ट्रांजेक्शन मान ना। जब तक इसके बीच मनी नहीं है तब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन जैसे डिपॉजिट आ गया उसमें पैसा, वो अब हमारा क्या बन गया? ट्रांजेक्शन। अब अगर ऐसे ट्रांजेक्शन नोट करते चले, इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा करते, तो दिन भर में हजारों कस्टमर आएंगे, हजारों कस्टमर रेट पुश करने जाएंगे, सबका ट्रांजेक्शन वो सही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास 10 कस्टमर है लेकिन सिर्फ 5 कस्टमर ने सामान सेल किया, बस 5 कस्टमर का ही आप रिकॉर्ड करेंगे, बाकी और 5 का रिकॉर्ड नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? मनी मेजरमेंट। क्लियर है ना? और उसके बाद से अगला आता है क्या? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी क्या है आपको पढ़े? अस्तित्व। कोई भी बिजनेस उसका नाम ही उसका अस्तित्व होता है। उसके साथ हम बताए थे बिजनेस के मालिक का भी अलग अस्तित्व होता है। समझे ना? तो सेपरेट एंटिटी आपको ये बताता है कि कभी भी आप यदि किसी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करें, किसी बिजनेस में क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप दो एंटिटी मानकर ही हमेशा ट्रांजेक्शन करें। कितना एंटिटी? दो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है। ये तुम पहले ही पढ़ लिए कि बिजनेस क्या है, एक एंटिटी होता है, क्योंकि बिजनेस का नाम ही क्या कहलाता है, एंटिटी। और आगे हम पढ़े हैं जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी, क्योंकि ऑनर का एंटिटी अलग और बिजनेस एंटिटी। और आगे कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी। और हम हमेशा ही इन दोनों को अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करें। अब ऐसा क्यों मानेंगे? बिजनेस का मालिक ही तो बिजनेस बनाया है ना, तो ऐसा नहीं कहेंगे बिजनेस का जब वही बनाया तो हम दोनों को अलग एक ही एंटिटी ले लें, ऐसा नहीं करना। इसलिए क्योंकि अब आप सिंपल समझ, हम ये मान लें कि हमारा क्या हो गया बिजनेस, ये क्या है बिजनेस, और जब भी कोई बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है, ये आप लोग पढ़े हैं ना, क्या कहलाता है? अगर ये पैसा लगा रहा है बिजनेस में ना, तो बिजनेस का जो मालिक है वो अलग एंटिटी हो गया और जो बिजनेस है वो अलग एंटिटी। अगर आप ये सोचें पैसा तो ये कैपिटल लगाया है और दोनों को एक ही एंटिटी मान, तो बिजनेस का मालिक जो अपने लिए खर्च करेगा वो ड्राइविंग कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ड्राइविंग। और जो बिजनेस को चलाने में कंट्रोल करने में जो खर्च होगा वो एक्सपेंस कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। आप पहले पढ़े पढ़े होंगे। अब आप बताइए ड्राइविंग जो निकाल रहा है वो बिजनेस की मालिक का अलग, और जो एक्सपेंस है वो बिजनेस का। अब दोनों को एक ही एंटिटी मान लो तो पता चले बिजनेस का जो मालिक है ना वो अपने पर्सनल यूज के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, अपने लिए 10,000 रुपए खर्च कर, कितना खर्च कर लिया 10,000, और उस बार बिजनेस में बस 1,000 का ही क्या हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, कितने का 1,000। और जब दोनों को एक ही एंटिटी मान करके हम एंट्री करेंगे तो टोटल मिलाकर कितना एक्सपेंस दिखाएगा बिजनेस में? 11, ये दिखाएगा ना, एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन अब आप बताइए चूंकि ड्राइविंग अलग किया था ना, तो कैपिटल के अकाउंट को हटाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े जब भी बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है ड्राइविंग कहलाता है, और ड्राइविंग मालिक की पूंजी को क्या करता है, हटा देता है। इसका एक उदाहरण भी दिए थे, अगर जो आप ही अपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगा दीजिए और बाद में आपको जरूरत पड़े तो 5,000 रुपए लेने की 5,000 निकाल लीजिए, तो अब आप अपने बिजनेस को कितना दिए हैं, 5,000 ही दिए हैं ना, तो पूंजी 5,000 घटाया कि नहीं घटा? ये तो घटाने के लिए है, लेकिन घटाएगा ना, ये एक्सपेंस में दिखाई देगा, 11,000 आपका क्या हुआ बिजनेस से, लेकिन वही हम अलग एंटिटी मान लें ड्राइविंग है बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी और बिजनेस हमारा अलग, तो इसका खर्च हम अलग दिखाएंगे और इसका खर्च अलग दिखाएंगे। तो जब ही हम देखेंगे ड्राइविंग अपने आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, ये ड्राइविंग में चला जाएगा, आया समझे ना, और जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो किसमें चला जाएगा, खर्च में चला जाएगा, ये तो लॉस में चला गया और ये कैपिटल में चला गया, कैपिटल क्या करेगा, माइनस। इसीलिए जब भी हम ट्रांजेक्शन करने जाएंगे
तो कितना एंटिटी मानकर एंट्री करेंगे, जो कि बिजनेस का मालिक एक अलग एंटिटी और बिजनेस एक, वही कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी। जब भी आप अकाउंटिंग करने जाइएगा तो दो एंटिटी मानिएगा, बिजनेस का मालिक अलग और बिजनेस का बिजनेस, क्लियर है ना। और उसके बाद से अगला देखिए क्या कह रहा है, गोइंग कंसर्न। चलिए इसको समझने से पहले आप इतना बताइए कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें और हम ये सोच लें कि जो हमारा बिजनेस है आज स्टार्ट करें कहीं कल बंद हो तो क्या करें, क्या हम कोई बिजनेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। बस वही कॉन्सेप्ट है क्या, गोइंग कंसर्न। बिजनेस को जब भी हम स्टार्ट करेंगे यह मानकर ही स्टार्ट करेंगे हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता है, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, तब बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और एक किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मानेंगे, गोइंग कंसर्न। अब इसमें क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे, लेकिन जो हमारा बिजनेस होगा वो क्या होगा, एक लंबे समय तक चलता रहेगा, भविष्य में यानी निकट भविष्य में बंद होने की संभावना नहीं है। तो पता चले हम ये सोच लिए कि आज हम पड़रौना में एक लोकेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जहां पे हम रेंट के रूप में लिए हैं वो कह रहा है कि आपको 10 साल के बाद ये बिल्डिंग खाली कर देना है, हर समय ना, या हम जब उसका एग्रीमेंट कराए मात्र 10 साल के लिए ही कराए, अब हम सोचेंगे नहीं 10 साल के लिए तो एग्रीमेंट करा लिया है लेकिन कहीं 10 साल के बाद वो हटा देता हम क्या करें, और हम ये सोचे बिजनेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन हम ये सोचें कम से कम 10 साल तो चलेगा ना, 10 साल बाद कहीं और देख के कर लेंगे, यही कॉन्सेप्ट मानते हैं बताता है कोई कि जब भी आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे या मानकर अकाउंटिंग करेंगे हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता है। और आगे कह रहा क्या, यानी कि तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने कोई संभावना नहीं है, इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंटिन्यू तो आपको पता ही होगा जो लगातार चलता रहे पास में ना, यानी कि यही जो बिजनेस आपका लगातार चलता है उसी का दूसरा नाम क्या है, कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि आपका बिजनेस हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा लगातार चलता रहेगा, वही कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी में आगे कह रहा है, जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, सोच करिए कि आज हम चलेगा एक बिजनेस स्टार्ट कर, क्या स्टार्ट किए हैं और उस बिजनेस में मशीनरी की आवश्यकता है, किसकी मशीनरी, और उस मशीनरी में लगने वाली जो लागत है ना वह 1 लाख, कितना है 1 लाख, और इस मशीनरी से हम इस साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, बस हम कितना कमा पाएंगे, मान लेते हैं 50,000 कमा पाएंगे, कितना कमा पाएंगे 50,000। तो अगर जो हम ये मान लें कि 1 लाख लग रहा है और इस साल मात्र हम 85,000 कमा पाएंगे तो हम बिजनेस कोई बना पाएंगे नहीं। हाँ बट ये हम एज्यूम करेंगे क्या, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस में लंबे समय तक किया जाए, कि अगर जो 1 लाख का खरीद रहे हैं तो कोई नहीं इस महीने में नहीं होगा, इस साल में 50,000 नहीं 40,000 मिलेगा, अगले साल भी काम करेगा, अगले साल मिलेगा, उससे अगले साल भी मिलेगा, हर समय ना, यानी कि जो मशीनरी बना रही है लगातार हमारा बिजनेस में लंबे समय तक काम करेगा, ये भविष्य में जल्दी खत्म होने की संभावना, वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, कोई कंसर्न। क्लियर है, उसके बाद से अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल, देखिए उदाहरण समझ लीजिए, अगर हम कोई वस्तु खरीद के लेके आए चलिए, अब हम ये मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदे, सपोज करिए हम ये रिमोट ले, अगर जो आज हम खरीद के लेके आ गए 500, क्या बोला आप 2 साल बाद हमसे पूछेंगे तो कहीं रेट कम हो जाए इसका 400 से मिला तो बोलेंगे 400 खरीदे, क्या बोलेंगे 500 में ही खरीदे, वही कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी होता है, आपको पता है, हाँ वही दूसरा नाम इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है।
कि जितना में आप खरीद कर लेकर के आए हैं, 2 साल या 4 साल बाद एंट्री करने जाएंगे उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही एंट्री करेंगे, वही क्या कहता है, इसलिए कह रहा है इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही एंट्री की जाती है। जैसे यदि कोई यदि किसी फर्नीचर को 50,000 में खरीदा है तो हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्टिंग 50,000 में ही रिकॉर्ड करें। हाँ समझे ना। अब सपोज करिए इस समय अगर हमको एक फोन खरीदना नया सा नया नया लॉन्च हुआ है, उसका क्या है रेट कुछ हाई रहता है। आया समझे ना। सपोज करिए हम कोई वीवो का फोन खरीद रहे हैं, इसका वीवो आज गए खरीदने के लिए कितना है, मान लेते हैं 20,000, कितने का है 20,000। और जो एक साल बाद इसी फोन का रेट कम और इस बार ये फोन मिलने लगा 18,000, कितना में 18,000। तो क्या जब 2 साल बाद या 1 साल बाद हम एंट्री करेंगे तो कहीं नहीं हम 18,000 में ही खरीदे हैं, हम क्या बताएंगे नहीं 20,000 में खरीदे, बस इस रोज तारीख क्या हो गया डाउन। तो अगर जो आप अपने कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो जो भी आप कोर्स खरीदेंगे, जो भी असर खरीदेंगे उसका ओरिजिनल कास्ट मानकर ही एंट्री करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, कॉस्ट सिंपल दे रहा है कि इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर रिकॉर्ड किया और ट्रांजेक्शन के बीच यदि मनी है तो भी आप ट्रांजेक्शन मानेंगे, और यदि मनी नहीं तो आपको ट्रांजेक्शन मानी जा सकता नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट है और अगला हम पढ़े सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी बिजनेस आप काम करने जाएंगे तो 2 एंटिटी मानकर ही काम करें, बिजनेस का अलग और बिजनेस के मालिक का अलग। और उसका समय पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या मानकर स्टार्ट करेंगे भविष्य में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम कोई मशीनरी या कोई प्लांट अगर ले रहे हैं या एज्यूम करके ही लेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक ये काम करेगा, भले इस अकाउंटिंग पीरियड में उसका अमाउंट टोटल कवर हो या नो। और इसका समझ पड़े क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्या बताए हैं, इसके अनुसार हम ऐसे जो भी एसेट खरीदेंगे उस एसेट को 2 साल के बाद या 4 साल बाद एंट्री करेंगे उसी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही एंट्री करेंगे, वही क्या कहलाएगा कॉस्ट। क्लियर है ना। और उसके बाद अगला हम कहता है क्या ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉस्ट, क्या है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए जब भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं 2। अगर जो देखा जाए अगर जो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस जरूर होगा। आ समझे ना। हमारा ये बिजनेस है और हम किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई गुड्स सेल। अगर जो हमारे पास से कोई गुड्स अगर जो जा रहा है उसके बदले में कैश आ रहा है, उसके बदले में क्या हो रहा है कैश आ रहा है। तो अगर जो ये हमारा माइनस हुआ तो क्या हुआ, आज समझे ना, जिससे हम सेल कर रहे हैं वो गुड्स अगर जो खरीद रहा है तो गुड्स आ रहा है और कैश क्या हो रहा है जा रहा है। तो इसके पास कैश माइनस होगा तो गुड्स क्या होगा प्लस। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने पक्ष हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर जो हम ये देखें कि ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष तो हो रहा है ना, तो इधर अगर जो हमारे एक माइनस हो रहा है तो इधर इसका क्या हो रहा है प्लस। तो अगर जो ये हमसे आया खरीदने के लिए 10 रुपए का सामान और अगर जो हम 5 रुपए का सामान दे क्या ये लेगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं। आज में ना ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है कि जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो 2 पक्ष हो जाएंगे, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट, और डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि आप जितने का सामान बेचेंगे उतना ही उससे पैसा रिसीव करें। आर समझे ना। वही कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में 2 पक्ष होते हैं। आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, किसी प्रकार का बिजनेस का ट्रांजेक्शन करना है तो कितने पक्ष होंगे 2। कह रहा है पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट का हो,
जो आ करा डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर, जो डेबिट पक्ष का वैल्यू होगा ना वो टोटल क्रेडिट पक्ष की वैल्यू को क्या होगा, जैसे when we purchase goods for cash, कि जैसे हम कोई goods purchase किए cash के रूप, और आ करा क्या it receive goods of same value, जितना हम वैल्यू दिए हैं सेम उस वैल्यू का हमने goods रिसीव किया, कुछ हो जाएगा। और आगे दिया क्या एंड गिव कैश टू इक्वल टू, अब जितने का हम सामान परचेज किए हैं उतने का हम कैश दिए हैं उसको और उतने का हम सामान क्या किए हैं रिसीव। जैसे एग्जांपल समझिए कि आपका बिजनेस है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर जो आप अपने बिजनेस किसी व्यक्ति को सपोज करिए मार्कर पेन सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं जिसका रेट 10 रुपया है और वो आपसे 21 मार्कर पेन खरीदा और आपको दे रहा है 8 रुपए, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ अगर जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो अगर जो 8 रुपए हम दे रहे हैं तो 2 रुपए दिखाएंगे, क्या हो रहा है डिस्काउंट हो रहा है, तभी तो ये 10 और ये 10 जाकर के बराबर होगा ना, तब जाकर के ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट किया। वही बता रहे जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे जो डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू होगा वो क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू हमेशा क्या होगा बराबर, ना क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल बताया व्हेन वी परचेज गुड्स, जैसे हम कोई गुड्स कैश पे खरीदे हैं तो सेम उतना ही गुड्स हम रिसीव किए जितना हम पैसा दिए, अगर जो 10000 का हम पैसा 10000 अमाउंट दिए हैं तो 10000 का ही हम क्या किए हैं कोई भी गुड्स हम वापस उससे ले लिए, क्लियर है ना। तो दोनों पक्ष की टोटल वैल्यू हमेशा क्या होती है बराबर। तो आज आप लोग 5 कॉन्सेप्ट पढ़ करके आइए और अगली क्लास में पढ़ेंगे क्रेडिट स्कोर कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव मैचिंग, रिलैक्सेशन, लीगल और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो उनका स्टार्ट हो जाएगा क्या टाइप्स ऑफ। तो आज आप लोग पहले कॉन्सेप्ट इतना पढ़ करके आइए लोग।